रात्रि में दंपति के ऊपर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कि महिला है जो संध्या जी, वो काफ़ी जख्मी थी और 4-5 गोलियां उनको लगी थी और उनके पति को भी एक गोली लगी थी, बुलेट इंजरी थी, दोनों इलाजरत है। और ये कांड दर्ज हुआ था गजराजगंज थाना क्षेत्र में। उसके बाद सेंसेशनल घटना होने के कारण इसमें एक टीम वृहद स्तर पर बनाई गई थी। नगर थाना अध्यक्ष को और नवादा को पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में और सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में DIU की टीम के साथ में गजराजगंज वगैरह को सबको लगा के इसमें कराया गया। महिला थाना अध्यक्ष की भी इसमें भूमिका अच्छी रही है। तो इस घटनाक्रम में संदेह के आधार पे हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लिया और उनके पास से जब हिरासत में लिया गया तो हथियार भी बरामद हुआ था। हथियार बरामदगी के दौरान पे इनके मोबाइल के आधार पे घटना स्थल पे हम लोगों ने कुछ संकेत पाया था और उस दौरान जो पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने जख्मी उत्तम कुमार, जो इस घटनाक्रम में जख्मी हुए थे, उनके साथ अपनी दोस्ती कबूल की, चूँकि वो दोनों ही उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, बिंद टोली नगर थाना क्षेत्र के। और इनके द्वारा बताया गया था कि घटना से पहले और उसके काफ़ी पहले भी पत्नी के बारे में उनसे डिस्कशन करने के बाद हुआ था कि इनकी हत्या करने का प्लान बनाया गया था। और इसकी हल्की पुष्टि पत्नी के द्वारा भी इलाज के क्रम में हमारे पुलिस ऑफिसर्स के समक्ष और शायद प्रेस के समक्ष भी कहा गया था। उस आधार पर अनुसंधान चला था और इन 2 अभियुक्तों ने इस बात को स्वीकार भी किया। और इसमें मुख्य रूप से जो उत्तम कुमार है उन्हीं के बाइक का इस्तेमाल हुआ, उन्हीं के बाइक का इस्तेमाल हुआ। बाइक घटना करने के बाद में उनके घर पे लगा दी गई। जब इनके भाई से हम लोगों ने जांच पड़ताल की थी कि आज अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तो फिर अपनी बाइक क्यों नहीं ले गए थे, तो ये कुछ संदेह के बिंदु थे जो कि अनुसंधान और जाँच के क्रम में स्पष्ट हुए थे। इस घटना में जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, देसी पिस्टल का, वो पिस्टल भी बरामद है। और उन लोगों ने स्वीकार किया कि मुझे इशारा दिया गया, बताया गया था कि किस जगह पे घटना करनी है और जाके इस घटना को अंजाम दिया गया। कारण क्या था सर? घटना के पीछे का स्पष्ट कारण है पति पत्नी के बीच का जो विवाद है, जो पत्नी ने भी इशारा किया था कुछ, वो वही विवाद है। कैसा विवाद? उसमें शायद जो विवाद है वो है कि पत्नी पति को पसंद नहीं थी, वो एक कारक है। और इसमें और भी जो जाँच है तकनीक के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो उत्तम कुमार है उनका चूंकि कॉन्स्पिरेटर के रूप में भूमिका आया है तो जख्मी को भी हम लोग हिरासत में रखे हैं, अभी इलाजरत हैं। तो माननीय न्यायालय को हम लोग इसकी सूचना देंगे और जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास से वो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जो उत्तम कुमार की ही मोटरसाइकिल है। और इसमें 2 लाख रुपये दे के घटना कारित करने की बात आई है, जिसकी जाँच अभी जारी है। इसमें जिस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था बातचीत के क्रम में घटना के बाद अभियुक्तों ने, उस मोबाइल को डैमेज करके और एक जगह पे फेंका था, जिसको बाद में स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसको भी रिकवर किया गया है। सर, सुपारी का पैसा दे दिया गया है या नहीं? इसकी पुष्टि अभी नहीं है, ये जब हम लोग जांच पड़ताल करेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि इसके अलावा और बेनिफिशियरी होने के नाते और क्या क्या चीज़ें इनको उपलब्ध कराएगी। सर, मारने वाले जो पकड़े उनका आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक हम लोगों के पास 2 घटना, जो पिस्टल मिला है उनके पास में, उस पर एक आर्म्स एक्ट का केस नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किया गया है। तो ये नवनीत कुमार और कृष्णकांत 2 ऐसे अभियुक्त हैं जिनका हम लोग इसमें और उनका आपराधिक इतिहास ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।